तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि सऊदी में जो सऊदी की लड़कियां होती हैं जो कॉलेज जाती हैं, वो ड्राइवर से कुछ ऐसा करने के लिए बोलती हैं और जो करवाती भी हैं, हर हाल में जितने भी ड्राइवर हैं उनको करना पड़ता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो ड्राइवर किसी से बताते नहीं हैं लेकिन करना पड़ता है। वो सभी ड्राइवरों के लिए नहीं बोला, कुछ ड्राइवर ऐसे हैं जो करते हैं और उनको करना पड़ता है, मैडम भी और लड़कियां भी। तो इस बारे में हम पूरा डिटेल से बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें और शेयर भी करें। शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि सऊदी जितने भी लोग आते हैं ड्राइविंग के काम में उनको क्या क्या करना पड़ता है। खासकर क्योंकि सऊदी में आप जितने भी ड्राइवर हैं वो या तो मैडम की नौकरी करेंगे, या तो मैडम का काम करेंगे, कहीं लेके जाएंगे, या तो फिर लड़कियां जो होती हैं कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, उनका काम करना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में दोनों बताएंगे, एक मैडम का और लड़कियों का। तो पहले हम लड़कियों का बताएंगे कि लड़कियों का कौन सा काम है जो ड्राइवर को करना पड़ता है। चूँकि ड्राइवर जब आते हैं यहाँ पर, तो आपको सीधी सी बात है कि यहाँ पे कफिल की कोई गाड़ी नहीं चलाता, सब मैडम की ही गाड़ी चलाते हैं। और कफिल जो है ड्राइवर इसीलिए बुलाता है ताकि वो मैडम को इधर उधर ले जाए, लड़कियाँ जो है स्कूल जाती हैं उनको भी इधर उधर ले जाए। तो यहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं चोरी से कुछ ऐसा भी काम करवाते हैं ड्राइवर से, करने के लिए बोलती हैं जो हर हाल में ड्राइवर को करना पड़ता है। अगर नहीं करता है तो फिर वो उसकी प्रॉब्लम है, फिर अगर वो ना करता है तो फिर उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और होती भी है। तो वन बाय वन सब कुछ हम बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो सऊदी आते हैं और उनकी ड्यूटी लगती है सुबह के टाइम में मदरसा जाने के लिए। तो मदरसा जब छोटी बच्ची है, छोटी लड़की है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पे लड़कियाँ जाती हैं तो कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम ये है कि लड़कियां जो है लड़कियों को ज़्यादा अधिकार वगैरह है, ठीक है, तो इसलिए लड़कियों की ज़्यादा चलती है। और जितने भी यहाँ पे मर्द हैं, ड्राइवर हैं, सब बहुत डरे सहमे रहते रहते हैं और जो बोलती हैं लड़कियां उसको करना ही पड़ता है। तो बात यह है कि जब लड़कियां स्कूल जाती हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके रूम से 4-6-10 किलोमीटर स्कूल है, 10 किलोमीटर मान लीजिए स्कूल है, तो लड़कियां जाएंगी। उन लोगों के, लड़कियों की भी बहुत सारी सहेलियां होती हैं, तो ये अपने गाड़ी से जब घर से निकलेंगी ना, तो पहले तो सहेलियों को ले लेंगी साथ में। क्योंकि ड्राइवर का काम है सिर्फ गाड़ी चलाना, तो ड्राइवर से कोई मतलब रहेगा नहीं, तो साथ में ले लेंगी, ठीक है, साथ में लेके जाएंगी। स्कूल से वापस लौटते समय भी वो जो अपने सहेलियों को साथ में लेकर के आएंगी, तो हो सकता है कि वो लोग अपने सहेलियों से पैसे वगैरह लेती हों या ना भी लेती हों, जो भी है, अंदर की बात मैं नहीं जानता, लेकिन साथ में ले जाती हैं और ले आती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस दिन आपके कफिल की लड़की स्कूल नहीं जाती है, वो आपको कॉल करके बोल देगी कि मेरी जो सहेली है फला नंबर बिल्डिंग पे, आप जाओ उसको लेकर के स्कूल छोड़ दो, ठीक है, और वो ये भी बोलेगी कि बाबा से ना बताना। तो आपको जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि अगर आप गए, ठीक है, मान लीजिए कफिल से मुलाकात हो गई, रास्ते में आपको कफिल ने देख लिया, तो एक बार तो सोचेगा ठीक है लड़की को लेके जा रहा होगा छोड़ने के लिए, लेकिन वो घर जाएगा तो तुरंत जान जाएगा लड़की तो स्कूल गई ही नहीं, फिर ड्राइवर कहाँ घूम रहा है। फिर आपको जो है कफिल से हर बात शेयर करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यही होती है कि लड़की ने बोला कि बताना मत, और आपको हर बात शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, वो उसको आपको ही मैनेज करना है, कैसे क्या करना है वो आप खुद समझिए। और जब लड़कियां जो है कॉलेज जाती हैं, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी लड़की है कॉलेज जा रही है, ठीक है, तो कॉलेज जाने पर ड्राइवर को कुछ ऐसा काम वो बोलेंगे करने के लिए जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। हम डिटेल से बताएंगे क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे बड़ी लड़की है कॉलेज जा रही है, ठीक है, कॉलेज गई, अगर 1-2 घंटे की वेटिंग है, बोलेगी आप यहीं वेट करो, या फिर आप रूम पे अगर चले आते हो तो एकाएक उसको कहीं जाने का मन होगा तो कॉल करेगी, आपको बुला लेगी, आप जाएंगे, तो वहाँ से भी वो अपने सहेलियों को लेकर के निकलेगी कहीं होटल में, या कहीं कुछ भी जो भी उनका आर्टी पार्टी या जो भी खाने पीने का प्रोग्राम रहेगा वहाँ लेके जाएगी, ठीक है। और इसी दौरान मान लीजिए अगर कफिल का फ़ोन आ गया, कफिल का कोई काम आ गया, कफिल तो जान रहा है कि ड्राइवर तो रूम पर होगा, लेकिन जब उसका कॉल आएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि लड़की ने हमको फ़ोन करके बुलाया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कंफ्यूज में हो जाएगा वो कि अभी तो वो निकलने वाली है नहीं, इतनी देर में निकलेगी तो अभी क्यों बुलाया है, फिर आपको डिटेल से पूछेगा, और चूंकि आपको पता भी नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, चूंकि लड़की अब जब निकलेगी तब बताएगी तभी आपको जाना रहेगा, तो ऐसे में बहुत सारा मामला फंस जाता है।
कभी कभी बात बहुत ऊपर पहुंच जाती है, बहुत लफड़ा वाला हो जाता है, तो उसमें ये होता है कि आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। हर हाल में आपको हर एक चीज़ डिटेल से बताना है। अब हम बात करते हैं कि लड़कियां जब बुलाएंगी पहले ही, स्कूल के टाइम से निकलने से पहले ही बुलाएंगी, तो आपसे क्या करवाएंगी? आपको सहेलियों को लेकर के अपने साथ में फिर जाएंगी कहीं भी लंच वगैरह करने, लंच वंच करके जो भी खाना पीना रहेगा खा पी करके वापस से फिर स्कूल आ जाएंगी, कॉलेज आ जाएंगी। कॉलेज आने के बाद फिर क्या होगा कि बोलेंगी कि जो भी जब तक उनका टाइमिंग होता है निकलने के लिए, बोलेंगी कि आप वेट करो, हम जब निकलेंगे तो आपको कॉल करेंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको कभी भी कफिल से झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि लड़कियां तो बोलेंगी ही कि आप बाबा से मत बताना या जो भी है, क्योंकि यहां पर लड़कियां कुछ अपने मन से भी करती हैं जो अपने फादर को बताएंगी नहीं, चुपके से करती है। लेकिन मतलब कोई गलत काम नहीं मैं बोल रहा हूँ, घूमना टहलना या कोई भी कैसे स्कूल से बिना टाइम के निकल करके कहीं भी जाना, घूमना टहलना अपने सहेलियों के साथ, तो वो इन लोगों का नॉर्मल बात है। हमने बहुत सारे ड्राइवर से ये सुना, डिस्कस किया, सभी लोगों ने हमको बताया कि हाँ ऐसा होता है। चूँकि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं सोचा कि ड्राइवर से भी पूछूँ कि और सबके साथ कैसा होता है, तो सब बताते हैं कि ऐसा ही होता है, इसी ये सब नॉर्मल बात है, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात मैडम की, हमको हम आपको बताएं, मैडम जब कफिल घर पे नहीं रहेगा तो मैडम की भी तमाम सहेलियां बनी रहती हैं, ठीक है। तो कुछ मैडम होती हैं जो खुद अकेले ही घूमती हैं, इधर उधर मॉल में शॉपिंग वगैरह करेंगी, उसके बाद आ जाएंगे, कफिल पूछेगा कहाँ गई हो तो वो कुछ एक दो काम बता देंगे ताकि उनसे उनका काम चल जाए, उसके बाद वो वापस घर चली आएंगी। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात में वो निकलेंगी, ठीक है, 8-9 बजे के बाद निकलेंगी। अब 8-9 बजे के बाद निकलेंगी तो ड्राइवर के ऊपर ये प्रेशर करेंगे कि बाबा का जब फ़ोन आएगा तो उनसे बता देना कि हम फला जगह आए हैं, जबकि वो किसी दूसरी जगह होती हैं, क्योंकि उन लोगों को भी डर रहता है कि हस्बैंड हमारा सुनेगा तो हमको डांटेगा या बोलेगा। वो लोग भी डरती हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ डरती हैं और कुछ नहीं डरती हैं। बहुत सारे सऊदियों को हमने देखा है कि अपने जो बीबी होती हैं उनका ही कहना मानते हैं, बाकी सारा मतलब गलती किसी की भी हो, सारी गलती ड्राइवर के ऊपर ही आ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आप लोग हमारे वीडियो से सहमत हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी करें। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।